नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमीन हड़पने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आ रहे असामाजिक तत्व लोग। नहीं किया जा रहा है थाना प्रभारी द्वारा सुरक्षा और कार्रवाई। ताजा मामला गुरारू थाना क्षेत्र के असनी गाँव का है, जहाँ सुरेंद्र प्रजापति ने बताया कि कई महीने से संतोष प्रजापति और प्रमोद प्रजापति मेरे जमीन का खाता नंबर 1180 प्लॉट नंबर 112 को गलत जानकारी देकर ब्लॉक के अधिकारियों और LRDC को गुमराह करने में लगे हैं और मुझे भवन कार्य करने के क्रम थाना को मौखिक सूचना देकर काम रुकवा दिया जाता है। लेकिन मैं थाना के अधिकारियों को बीते कई माह पूर्व लगे धारा 144 की जजमेंट कॉपी दिखाता हूं तो डांट फटकार कर भवन कार्य को बंद करा दिया जाता है, जिससे सवाल खड़े हो रही कि एक तरफ पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को सुरक्षा सहायता देने और विधि संबंध कार्रवाई करने के लिए कंधों पर सितारा लगाकर कमान सौंपा गया है, लेकिन विपक्षों से मिलकर और साठगांठ रखते हुए टिकारी अनुमंडल पदाधिकारी करिश्मा कुमारी का आदेश का थाना प्रभारी के द्वारा अवहेलना किया जा रहा है, जिससे सुशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या थाना प्रभारी अनपढ़ या बुद्धि ज्ञान रखते हुए मेरे ऊपर खाकी वर्दी का गलत तरीके से डंडा बरसाना और भवन निर्माण कार्य को रुकवाना और आपराधिक तत्वों के लोगों को संरक्षण देने का संवैधानिक अधिकार है। क्या है प्लॉट नंबर उसका? 1180। कितना जमीन है उसमें? उसमें 14.5 डिसमिल जमीन है। अच्छा, शूटर जब आता है तो बिहार का ही रहता है कि बाहर का रहता है? जहाँ तक हमको जानकारी है कि सर वो बिहार का ही और अपने खास एरिया का ही रहता है। मिनी विवाद का मामला है सर। कितना दिन से चल रहा है? एक करीब 2021 से ही चल रहा है। क्या परेशानी क्या है? परेशानी यही है सर कि हमारे पिताजी के नाम से परमाना का जमीन है 15 डिसमिल, जिसका खाता संख्या 212 और प्लॉट संख्या 1180 है। माननीय टेकारी अनुमंडल में माननीय SDO साहब के पास है, इसका विवाद भी चला 44 का, और 11/10/2022 में वहाँ से हमारा फैसला आ जाता है और फैसला में साफ दर्शा दिया जाता है कि इसका हक हकीकत वंश के अनुसार उपादेय है। इसके बावजूद भी जो प्रतिद्वंदी है, हमारा जो गोतिया भाई, हमारे मांझिल चाचा का लड़का संतोष प्रजापत, प्रमोद प्रजापत, वो बा जबरदस्ती बीच में क्रिमिनल को ला करके भी, शूटर को ला करके हम उन लोग के डेरा धमका करके उस पर बा जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। हथियार उठियार लेके आता है शूटर लोग? हाँ, हथियार लेकर के एकदम गोपनीय रूप से हथियार लेकर के आता है। तो थाना के सूचना देते हैं आप लोग? थाना के सूचना दिए सर कई एक बार, जब भी हुआ सूचना दिए, लेकिन थाना हमारी एक भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। जब हथियार लेके आता है तब सूचना दिए हैं थाना को कि हथियार लेके आदमी आया हुआ है, कभी भी हत्या हो सकता है किसी का? हाँ सर। तो क्या आती है थाना? नहीं, थाना नहीं है। थाना तो जिस दिन शूटर आया हुआ है आया था, उस दिन हमने जब थाना को रिपोर्ट किया, फ़ोन करता रह गया, लेकिन 3 बजे तक कोई भी थाना रिसीव नहीं कर पाया हमारी बात को, हमारे फ़ोन को, और 3 बजे करीब करीब रिसीव भी करता है कोई गोस्वामी नाम करके हैं, राम प्रवेश गोस्वामी, उनका ये स्टेटमेंट आता है कि आप SDO साहब के यहाँ से जो फैसला दिए हैं उनके यहाँ से लिखवा करके लाइए, तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है थाना का साठ गांठ रहता है क्या विपक्षी के साथ? एकदम सर श्योर इसमें साठ गांठ है, और जबकि हमारे पास पेपर है सर SDO के पास, के बाद फिर हमारे पास एक और 22 में ही अंचल पदाधिकारी का भी सर फैसला आ चुका है ना, कि 1180 के हमारे फेवर में फैसला आया है और उस पर हम 3 बार मकान बनाने का कोशिश किया। फैसला आया है? फैसला आया है कि इसका हमारे पक्ष में आया सर कि इस जमीन सर जो है सर ये रहती बंदोबस्ती का जमीन है, मेरे चाचा का जमीन है, एक चचेरा भाई और हैं अगेंस्ट पार्टी, वो थाना को बार बार पैसा दे के इसमें जबकि जजमेंट आया हुआ है LRD SDO साहब का 44 में
कि परवाना संयुक्त जमीन है, ये बंदोबस्ती से मुक्त मतलब मुक्त है, ये वंश का ही उपाधि होता है, वंश का ही मैंने लोग बनाएंगे इसमें रहेंगे। ऑर्डर क्लियर के बाद भी अगेंस्ट पार्टी जो है वीरन प्रजापत का लड़का संतोष प्रजापत बार बार थाना में पैसा कौड़ी देकर परेशान हम लोग का करवाया जा रहा है, 3 साल से लगातार मैटर चल रहा है। जब भी हम लोग काम लगाते हैं अपने ज़मीन में बनाने के लिए, तब तब वो थाना वालों को पैसा देकर बुलवा के पकड़वा के मारपीट अक्सर करवाते रहता है थाना से हम लोग के। ऐसा ही जब न तब कल भी मेरा एक भतीजा को पकड़ के ले गया है, रवि कुमार को, उसको भी मारपीट किया है। और प्लस क्या हुआ सर, थाना के इतना स्तर गिर गया है कि मेरा काम जब भी लगता है, लगाते हैं हम लोग, तो उसमें चपड़ा कुड़ाही कुदार खंती वगैरह सब थाना जीप में लाद के वो भी ले चला जाता, 3-4 हज़ार के संपत्ति अक्सर ले जा रहा है ऑर्डर के बाद भी। और कहता है जब मांगते हैं जाके तो कहता है थाना में काम आवेगा, कैसन यार कैसन खंती रहे यहाँ, हम लोग को ची करेंगे, ऐसे बोलता है। जब लगता है कि थाना का पैसा उसा ना मिलता, कहाँ खरीदेला, हम लोग को बार बार तंग करता है, कल भी किया है, मेरा भतीजा को बहुत मारपीट किया है, हमने अक्सर मजबूरी होकर फिर लास्ट में मीडिया के शरण में आए हैं, हम मीडिया को बोले हैं तो उनके कहने पर कल उन्होंने थाना से छोड़ा है, मीडिया से संपर्क में आए उसके बाद आपके भतीजा को छोड़ा गया। नहीं तो छोड़ ही नहीं रहा था, छोड़ने के एवज में भी रुपया मांग रहा था, क्योंकि कोई जुल में नहीं है, कोई अति नहीं है। अच्छा, तो इस संबंध में किसी बड़ी अधिकारी को आवेदन दिए हैं कि हमको काम नहीं लगाया जा रहा, घर नहीं बना दिया जा रहा है? सर हम दिए हैं अक्सर, मतलब SDO को हम लोग दिए हैं टेकारी में, उसमें जजमेंट भी है, CO से हम लोग मिले हैं, CO का भी जजमेंट है, तुलना भी किया गया है उनका। वो क्लियर CO का कहना है कि हम CO का क्लियर शब्द में कहना है कि आप अपना काम लगाइए, ज़मीन हम ठीक ठाक है, मेरा इसमें कोई मैटर नहीं है। जब थाना में मैटर वो अगला पहुंचाता है बार बार, तो थाना वाला हम लोग का खंडित करते हुए बार बार कहता है कि CO साहब से लिखवा के लाओ, CO साहब से लिखवा के लाओ। तो CO साहब इसमें क्या लिखेंगे, ये तो जबकि SDO साहब का ही मैटर, SDO साहब क्लियर कर दिए हैं 44 में कि ज़मीन में क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है। तो हम लोग के साथ ये गुंडागर्दी थाना के द्वारा, वो अगला वीरन प्रजापत का बेटा संतोष प्रजापत प्लस प्रमोद प्रजापत बार बार पैसा के बल पे वो हम लोग को तंगो फजत कर रहा है। कितना है प्लॉट नंबर जिस पर परेशानी? प्लॉट नंबर सर खाता है 112, प्लॉट है 1180 और रकबा 14 डिसमिल का प्लॉट है। बात सर गलत कागज के आधार पर करता है बार बार, LRDC के यहाँ जाकर वो लोग बार बार लिखी देता है कि प्लॉट ये है, वैसा कुछ नहीं है, साइन तक भी गलत करता है। और इसमें बंदोबस्ती के जो केवाला का जमीन है उसको बार बार कहता है कि बंदोबस्ती का जमीन है। LRDC को नहीं समझ में आता, LRDC को तो अंधा हो गया, वो बिल्कुल अंधा है, उसको हम दिखाते हैं तो बार बार कहता है कि नहीं ये केवाला वाला जमीन ही बंदोबस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है, देखा जाए साक्ष्य है मेरे पास केवाला का जमीन को। क्या दिखाते हैं आप? केवाला दिखाते हैं, अपना रजिस्ट्री दिखाते हैं, रजिस्ट्री पत्र दिखाते हैं। आप हमको दिखाइए। देखिए सर क्या है इसमें अंतर? अंतर यही है कि खाता जो है ना सर 154 प्लॉट 1134 1534 को कहता है कि बंदोबस्ती का ज़मीन, जबकि बंदोबस्ती नहीं है, ये ज़मीन केवाला से खरीद लिया हुआ है, देखा जाए। और इसी को उलझाए हुए हैं, अगला LRDC साहब को भी लगता है कुछ मोटा रुपया दे देता है, हम लोग को बार बार LRDC पूरा प्रशासन खरीद लिया है। मतलब जिसका केवाला उसको बंदोबस्ती दिखाता है, जो बंदोबस्ती है उसको केवाला दिखाता है। तो बंदोबस्ती पर्चा दिखाता है वो? हाँ दिखाता है। बंदोबस्ती पर्चा कहाँ से बना होगा फिर? वो SDO ही से बनता है ना। बंदोबस्ती जब जमीन होता है तब बंदोबस्ती पर्चा मिलता है? हाँ मिलता है, वही मेरे पास है, वही प्लॉट का जमीन है मेरे पास, अभी मेरा केवाला भी है। आता है? नहीं दिखाता सर, वो केवालवे के कहता है बंदोबस्ती, तो पातो ना कि पर्चा कोची होता है, पर्चा हम लोग के पास है और केवाला भी हम लोग पास है, ये देखा जाए। क्या नाम है? मेरा नाम है संजय कुमार, पिता के नाम है स्वर्गीय लखन प्रजापत, ग्राम असरी थाना गुड़ारू जिला गया।